Hello everyone, this is Mukesh Kumar and today we are going to discuss about the different schools of management thoughts, and these schools are systems and contingency school. In previous lecture we have discussed about scientific management school and behavioral management school. So these two schools were different, and in this lecture we will discuss about the system approach school and contingency management school. So what is the different schools which are described in this lecture? First one, system approach school. So how we will define the system approach school? According to this school, management is a system of coordination of some different factors forming the parts of an overall management process, which are interrelated or इंटरडिपेंडेंट। इस स्कूल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो कि अलग अलग फैक्टर्स में ऑफ सम डिफर फैक्टर्स फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ एन ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम। उन सब के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, उन सब को जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हो सकते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, तो उन सब को कैसे मैनेज करना है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, वो एक सिस्टम है, वो बनाना होता है। तो दैट मीन्स इफ द एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज आर परफॉर्म्ड गिविंग मच इम्पोर्टेंस टू वन ऑफ इट्स फैक्टर्स और पार्ट्स विदाउट कंसिडरिंग इट्स रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंस ऑन अदर फैक्टर्स द डिजायर्ड रिजल्ट्स कैन नॉट बी ऑब्टेंड। अगर अपन एक प्रोडक्शन से रिलेटेड एंटरप्राइज है और हम एक प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका कि अगर हम किसी भी पार्ट को या किसी भी फैक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बिना इस चीज़ को समझे कि वो कौन कौन से दूसरे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम जो रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा कभी भी। तो इसलिए हम अगर किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम में चाहते हैं कि हमारा सिस्टम है वो प्रॉपरली अच्छे से काम करे, तो हमें उसके हर एक फैक्टर के ऊपर ध्यान देना। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि दूसरे जो वर्क हो रहे हैं उन सारे वर्क्स के बीच में एक इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन को डिफाइन करता है कि ऐसा कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क कर पाएगा, तभी आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं, जो आपके डिजायर्ड रिजल्ट हैं, वो आपको मिल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैन, मशीन, मनी एंड रॉ मटेरियल आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन मैनेजमेंट। मोस्टली ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं मैनेजमेंट के। मैन जो कि आपके लेबर हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ हैं। मशीन जो मशीनरीज आप प्रोडक्शन में यूज करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। मनी, मनी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। एंड रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल कौन सा है, कहाँ से मिलता है, जो कि आपके प्रोडक्शन के लिए, आपके प्रोडक्ट को डेवलपमेंट के लिए काम में आता है। तो दीज आर द मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन मैनेजमेंट। दीज एलिमेंट आर नॉट आइसोलेटेड, रादर दे आर कोरिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अदर। अब ऐसा कोई भी इनमें से एक सिस्टम नहीं है जो कि आइसोलेट है या खुद काम कर सकता है, बल्कि दे आर कोरिलेटेड, वो एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं, इंटरडिपेंडेंट भी हैं एक दूसरे के ऊपर। क्योंकि अगर आपके वर्कर हैं और वहाँ पे आपकी मशीनरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो वर्कर काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास मशीनरी है बट वर्कर नहीं है, मनी नहीं है या रॉ मटेरियल नहीं है, तो आपकी मशीनरी है वो कोई काम की नहीं है। अगर आपके पास मशीनरी है और बाकी इनमें से कोई भी एक फैक्टर अवेलेबल नहीं है, तो दैट मीन्स आपका कोई भी काम बाकी नहीं हो पाएगा। तो दैट मीन्स ये सारे फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड हैं। तो जब भी हम काम करते हैं, हम अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो हमें एक दूसरी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। तो दैट मीन्स यही आपके सिस्टम अप्रोच स्कूल है कि आपको सारे के सारे सिस्टम्स में या सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में आपको उन सब सिस्टम का ध्यान देना होगा कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं, कौन से प्रोसेस हैं, कौन से प्रोसेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं और वो सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में है या नहीं है। ए परफेक्ट असेंबलेज ऑफ दिस फैक्टर रिजल्ट इन प्रोडक्शन। अगर उनका परफेक्टली अपन असेंबल कर पाते हैं तो वो अपना अच्छा प्रोडक्शन है वो डेवलप होता है। एफिशिएंट वर्कर्स कैन नॉट परफॉर्म देयर एक्टिविटीज वेल
विद बैड मशीन, क्योंकि अगर वर्कर अपने अच्छे हैं और मशीन बेकार हैं तो वो अपनी 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकते। तो दैट मीन्स अगर वर्कर की एफिशिएंसी अच्छी है तो मशीनरी भी अच्छी चाहिए, अगर मशीनरी अच्छी है तो वर्कर की एफिशिएंसी है या वर्कर की स्किल है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड हैं, ऐसे ही सारे फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। गुड वर्क कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड ऑफ इनएफिशिएंट वर्कर विद गुड मशीन्स, तो दैट इज द सेम थिंग जो अभी आपको बताई है। सो मैनेजमेंट इज अ सिस्टम टू असेंबल द डिफरेंट कोरिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स दैट आर पार्ट्स ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। तो यही आपका सिस्टम मैनेजमेंट है कि आपको इंटररिलेटेड और कोरिलेटेड जो सिस्टम्स हैं उनके बीच में आपको मैनेज करना होता है और ओवरऑल एक सिस्टम बैठाना होता है जिसकी वजह से सारा काम आपका प्रॉपरली और अच्छे से हो जाए। इट मस्ट बी व्यूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ टोटल एनवायरनमेंट एंड द मैनेजर शुड टेक इनटू अकाउंट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजेस देयर इन इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। इट मस्ट बी व्यूड बाय द कंटेक्स्ट ऑफ टोटल एनवायरनमेंट, सारे एनवायरनमेंट को देखते हुए द मैनेजर शुड टेक इनटू अकाउंट, मैनेजर्स को देखना चाहिए कि वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चेंजेस, कि जो भी उनकी क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो चेंजेस आ रहे हैं मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या क्या हो सकते हैं, इन सब कोरिलेशंस को या फिर इंटरडिपेंडेंसी को देख के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो तभी एक अच्छा मैनेजमेंट है वो चल सकता है। वही आपका सिस्टम अप्रोच है मैनेजमेंट के लिए। द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू दिस स्कूल आर केनेथ बल्डिंग, जॉनसन, एफिकास्ट, जे रोजेनबिग, कैट्स एंड कान, फॉरेस्टर एंड सी डब्ल्यू चर्चमैन। ये मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने सिस्टम अप्रोच को सबके सामने लेके आए, दुनिया के उसको एक्सप्लेन किया, सभी को बताया इसके बारे में कि क्या सिस्टम अप्रोच होता है और किस तरह से हमें सिस्टम अप्रोच को यूज करना चाहिए एक एफिशियंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए। सेकेंड मैनेजमेंट स्कूल जो कि इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी कॉन्टिंजेंसी अप्रोच स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच मैनेजमेंट इज ए सब्जेक्ट दैट इज सिचुएशनल बाय नेचर। ये अप्रोच कहता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिचुएशनल है नेचर के अकॉर्डिंग। इट हैज नो हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल एंड थ्योरी, ऐसा कोई भी आपका हार्ड एंड फास्ट प्रिंसिपल नहीं है ना कोई थ्योरी है कि जो हमेशा अप्लाई होता है। तो इन द वे दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द सिस्टम अप्रोच, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम अप्रोच का एक्सटेंशन पार्ट है। द बेसिक आइडिया ऑफ द कंटिंजेंसी अप्रोच इज दैट देयर कैन नॉट बी ए पर्टिकुलर मैनेजमेंट एक्शन विच विल बी सुटेबल फॉर ऑल सिचुएशन। इसके अकॉर्डिंग कोई भी एक ऐसा सिस्टम कभी नहीं बन सकता जो कि आपके हर एक सिचुएशन के लिए अप्लाई होता हो। सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच स्टडी ऑफ मैनेजमेंट लाइज इन आइडेंटिफाइंग द इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स इन दिस सिचुएशन। दैट मीन्स अगर आपके इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं उनको हम ध्यान में रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इस अप्रोच को यूज करना होता है, उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से आपके ऐसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जो कि सिचुएशंस को क्रिएट कर सकते हैं। एन अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट एक्शन इज वन दैट इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड इंटरनल स्टेट्स एंड नीड्स। एक अच्छा मैनेजमेंट वही है कि जो कि आपके सारे डिसीजंस को देख के किसके बेसिस के ऊपर, आपके बाहर के एनवायरनमेंट के ऊपर और आपकी इंटरनल जो स्थिति है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग देख के डिसीजन लेता है कि क्या एक्शन हमें वहां पे लेना चाहिए। मैनेजमेंट में भी इफेक्टिव एंड फ्रूटफुल इफ इट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स आर अप्रोप्रिएटली फॉलोड एंड इट्स टेक्निक्स आर इंटेलिजेंटली अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस। मैनेजमेंट तभी अच्छे से इफेक्टिव हो सकता है, तभी अच्छे से मैनेजमेंट काम कर पाएगा जब इसके प्रिंसिपल और प्रोसीजर हैं वो फॉलो हों, उसकी टेक्निक के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंटली अप्लाई किया जाए उनको
जो भी आपकी सिचुएशंस होती हैं, सरकमटेंसेज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग। तो अगर आपकी सिचुएशन को, आपके सरकमटेंसेज को आपने नहीं समझा और उसके बिना आप अपने मैनेजमेंट थ्योरीज हैं उनको अप्लाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट डिसीजंस हैं उनको आप ले रहे हैं, तो आप कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले सकते। अपने अच्छे रिजल्ट्स के लिए, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए अगर हम इस अप्रोच को यूज़ करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग यही है कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप डिसीजन लेंगे, नहीं कि आपने पहले से प्री डिफाइंड एक डिसीजन लिया हुआ है कि हाँ हमें फ्यूचर में पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो डेवलप करने ही हैं, चाहे सरकमस्टेंसेस कैसे भी हों। तो अगर आपका वो डिसीजन है तो बेटर, आपके फ्यूचर के अंदर सेल्स है वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो वहाँ पे आप अपना डिसीजन चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे लॉस भी हो सकता है और वहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए इस अप्रोच में यह है कि आपको अपने सरकमस्टेंसेज हैं, जो सिचुएशन है, उन सिचुएशंस को ध्यान में रख के आपको डिसीजंस लेने होते हैं। कंटिंजेंसी थ्योरी सजेस्ट दैट द सिस्टम अप्रोच डज नॉट एडिक्वेटली स्पेल आउट द प्रीसियस रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरमेंट। जो थ्योरीज दी गई हैं कंटिंजेंसी की, वो सजेस्ट करती हैं कि सिस्टम अप्रोच हमेशा इन थ्योरीज को या जिन ऑर्गेनाइजेशन और उसके एनवायरमेंट के अंदर एक अच्छी रिलेशनशिप है उसको डिनोट नहीं करती, या उसको वो नहीं चाहता है कि वो बाहर जाए इससे। तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन और उसका एनवायरमेंट है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। Contingency approach tries to fill this gap by suggesting what should be done in response to an event in the environment. That means अगर आपकी जो management है उसके अंदर जो environment में changes आ रहे हैं, that means environmental changes, maybe आपके पास workers कम हो सकते हैं, maybe आपके पास skill कम हो सकती है, maybe आपके पास skill ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो एक आपका environmental changes, organizational environment changes। तो उस एनवायरनमेंट को आपको देखना है, समझना है और हर एक चीज के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने की किस तरह से हमें कौन से डिसीजन को कब चेंज करना चाहिए। द सपोर्टर्स ऑफ दिस थ्योरी आर मेनली लॉर्ड्स एंड लॉरेंस, जॉन वुडवर्ड, फेडलर एंड एच। तो ये सारे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने ये थ्योरी है वो मेनली दी थी और इन्होंने इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है मैनेजमेंट के लिए, कॉन्टिंजेंसी मैनेजमेंट स्कूल के। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा अच्छे से और इसे आप पूरा कंप्लीटली समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच।